कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं मटन डब्बा गोश्त वो भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कुकर में आज की रेसिपी इतनी इजी है कि आप कोई भी इसे बना सकता है डब्बा गोश्त हम हमेशा आप लोग होटल में ही खाते रहेंगे मगर आज आप बनाइए अपने घर में तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने ली हूँ कम से कम एक किलो गोश्त मैंने हड्डी वाला गोश्त ली हूँ अगर आप बॉयलेस पीस भी लेना चाहते हैं तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं इसे अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से धो लेना और एक साइक में रख देना है तो चलिए इधर पे लेंगे एक मिक्सर का जार उसमें डालेंगे चार मीडियम साइज के टमाटर तो ये जार मुझे छोटा पड़ गया है तो मैं अभी इसे चेंज करके दूसरा वाला ले लूंगी तो बड़ा वाला ले ली मैंने सारे चार टमाटर मैंने डाल दी अभी इसमें डालूंगी एक टुकड़ा अदरक है ना क्या आया एक टुकड़ा अदरक डालेंगे एक गड्डी लहसुन छिला हुआ और चार से पांच हरी मिर्ची हरी मिर्ची मैं थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं तो चलिए इन सबको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे इसके अंदर मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि टमाटर में काफी पानी छुटता है ऐसे ही हम पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है इसे हम रख देंगे साइड में फिर से छोटा वाला जार लेंगे उसमें डालेंगे बीस 25 काजू काजू को मैंने पानी में भिगो के रखी थी वही पानी के साथ मैंने काजू को डाल दी अभी इसमें डालेंगे दो चम्मच भर के खसखस डायरेक्ट ही हम खसखस डाल देंगे आपको भिगा के डालनी है तो भी डाल सकते हैं चलिए अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसका भी एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करके रखेंगे ये दो काम आप सबसे पहले कर लेना और डब्बा गोश्त बनाना हो जाएगा आप लोगों के लिए बच्चों का खेल ना? आसान। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको डब्बा बनाना बताने वाली तो चलिए ये दोनों चीज बनकर रेडी हो चुकी है अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे गैस को ऑन कर देंगे उसके ऊपर रखेंगे कुकर अभी कुकर के अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले गोश्त तो सारा गोश्त उठा के हम कुकर में डाल देंगे बहुत ही झकपक से बन जाएगा एकदम देखते ही, देखते ही ये रेसिपी रेडी हो जाएगी ना। है ना ना। कैसा लगा था डब्बा नंबर एक नंबर एक लगा था तो चलिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे तीन मीडियम साइज की प्याज ली थी मैंने प्याज को हमने पीस लेना है पीस के एक पेस्ट बनाकर रेडी करना है और वो इसमें डाल देना है ना प्याज को कैसे पीसते हैं वो मैंने आपको नहीं बताई चलिए अभी मैंने प्याज डाल दी अभी इसी के साथ में डाल देंगे ये टमाटर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बराबर बराबर ये भी हम इसमें डाल वाटी को अच्छी तरह से साफ करके डालेंगे जरूरत लगती है अगर आपके वाटी में ज्यादा मसाला है तो थोड़ा सा पानी डाल के भी आप डाल सकते हैं इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अभी इसमें जाएगा गर्म मसाला पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच अभी हम डालेंगे काली मिरी पाउडर आधा चम्मच बराबर मतलब बोली मैंने अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच टेंडर पाउडर इससे हमारा गोश्त गलेगा अगर आपके पास में टेंडर पाउडर नहीं है तो कच्चे पपीते का पेस्ट भी आप एक चम्मच डाल सकते है बार ना बार। अभी इसमें जाएगा एक वाटी दही ये दस रुपए का दही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तो समझ में नहीं आएगा ये छोटी सी वाटी रेडीमेड हमारे तो दुकान में मिल जाती है उसे फेट के हम डाल देंगे यानी दस रुपए का दही मंगा लीजिए दुकान से वो डाल दीजिए चलिए वाटी खंगाल के भी सारा पानी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ है ना बरबर बोलते जा रही हूँ ना आज मैं एकदम सही रफ्तार पकड़ी हूँ क्या अभी इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच तेल तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करूँगी क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है तो इसमें जो है चिकनाहट बहुत ही ज्यादा रहती है तो इसलिए हम तेल को कम डालेंगे तो मैंने तीन ही चम्मच तेल डाली हूँ अभी ये सब डालने के बाद में हम क्या करेंगे इसे खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से घैस को हमें एकदम मीडियम पे रखना है फुल पे नहीं रखना है ये देखिए मिक्स करके हो चुका है अभी हम ढक देंगे कम से कम इसे पाँच मिनट तक का हम पका लेंगे तो चलिए पाँच मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं तो माशाला अच्छी तरह से थोड़ा सा भुने भी गया है थोड़ा पानी भी कम हो गया इसका और गोश्त तो नहीं गला, रह, गला नहीं रहेगा गोश्त की जब तो सीटी लगाऊंगी तभी गोश्त गलेंगा चलिए अभी हम इसमें डालेंगे काजू का और खसखस का पेस्ट है ना थोड़ी सी वाटी खंगाल के भी आप पानी डाल सकते हैं क्योंकि वाटी में मसाला काजू और का पेस्ट पेस्ट लगा, लगा हुआ है तो आप थोड़ी तो सी बाटी खंगाल के मसाला डाल दीजिए चलिए अभी ये भी डालने के बाद में हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे एक नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर हाथों की मदद से इसकी बीज निकाल देंगे और सारे रस को निचोड़ के आप डाल देंगे आज आपको मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी अभी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अभी हमें इसके अंदर कुछ नहीं डालना है अभी लगाना है कुकर का ढक्कन बराबर बोलिए बर कुकर का ढक्कन थोड़ा मुझसे ऐसा लग रहा था बरोबर नहीं लगा ब डर रही थी बहुत है ना है ना तो ढक्कन थोड़ा हिल रहा था तो चलिए अभी हम मिक्स कर लेंगे और चम्मच को रख देंगे साइड में गैस को रखेंगे मीडियम पे और इसका ढक्कन लगा के पैक करेंगे चलिए तो पैक कर लेती हूँ मैं आपको पैक करने के बाद बताती हूँ तो ये मैंने ढक्कन को पैक कर दी अभी हमें लेनी है इसकी पाँच सीटी पाँच सीटी में हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा है ना अगर ना। आप चेक कर लेना अगर नहीं गलेगा तो और दो सीटी और ले लेना तो चलिए ये देखिए पांच सीटी लेने के बाद मैंने इसे खोली और इसके ऊपर कितना सारा तेल आ चुका है है ना अभी गैस को हमें कर देना है बंद और एक तरफ मैंने रखी हूँ थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए यानी तीन से चार चम्मच तेल मैंने गर्म होने रखी हूँ बराबर हुई है ना अभी आगे हम क्या करेंगे देखिए मैं आपको बता दी आपको कोई जरूरत नहीं कोई बर्तन में गोश्त को निकालने की करने की उतने बर्तन पहले हमारे घर में बहुत हो जाते धोने के अभी ले लेंगे तीन अंडे एक किलो चिकन एक किलो मटन के लिए मैं तीन अंडे तीन ले रही हूँ हाँ। अंडे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसे फेंक लेंगे फेंक देंगे एकदम अच्छी तरह से और उसे एक साइड में रखेंगे उसके बाद में टमाटर भी आप ले लेना दो टमाटर ले लेना टमाटर को भी आप लोग गोल गोल कटिंग करके रख लेना है ना टमाटर कटिंग करके रखने के बाद आई देखिए मैंने टमाटर थोड़े कटिंग थोड़ी सी हरी मिर्ची कटिंग की अब ये टमाटर जो इसके ऊपर मैं रख लूंगी चारों बाजू से फैला के हमें टमाटर डाल देने टमाटर डालने से थोड़ा बड़े बड़े साइज गोल गोल में कटिंग करना गोल गोल में कटिंग करना आज में बरबर बोली ना आरोप है ना आज मैं कहीं चुकी नहीं ना तो चलिए अभी हमने टमाटर सारे रख दिए अभी हम टमाटर के ऊपर ये अंडे फेटे थे ना वो अंडा पूरा हम चारों बाजू फैला के डाल देंगे ना है ना सिंपल तरीके से मैंने एकदम इजी रेसिपी आप लोगों को दी हो ना और इसे कुकर में ही बनाना या बर्तन में आ, आपको टोप में बनाना है तो टोप में भी बना सकते सारा अंडा डाल दिए अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्ची गैस को मैंने नीचे से चालू ही रखी हूँ मगर एकदम स्लो पे एकदम स्लो पे रखना है है ना अभी हरी मिर्ची डालने के बाद में हम डाल देंगे इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके अभी ये जो साइक में जो तेल है वो तेल को हमें एकदम खूब गर्म कर लेना है अभी ये गरम जो तेल है ना ये हम अभी हमें बाद में थोड़ी देर बाद अगर इसके ऊपर का जो ये ऑयल है अभी हम इसे ऐसे ही ढक कर पांच मिनट तक का रखेंगे एकदम स्लो गैस पे सिर्फ दो मिनट रखेंगे दो मिनट में हम गैस को बंद कर देंगे कि अपने आप ही सेट हो जाएगा पूरा hmm. है ना ये अपने आप ही सेट हो जाएगा ऐसे मैं ढक देती हूँ थोड़ा सा ये वाफ में ही अंडा देरी हो जाएगा दो मिनट बाद हमने गैस को बंद कर दिए और ये अपने आप ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल दिख रहा है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑयल ज़्यादा है तो इस ऑयल को आप निकाल भी सकते हैं है ना तो आप क्या कर लीजिए इस ऑयल को निकाल लीजिए और ठंडा होने के बाद में फ्रिज में रख दीजिए कभी आप कोई दूसरी रेसिपी बनाएंगे तो उसमें आप ये ऑयल को यूज़ कर सकते हैं ये ऑयल ख़राब नहीं हुआ है तो ये देखिए माशा हमारा डब्बा गोश्त कितना बेहतरीन दिख रहा है अभी मैंने थोड़ा हड्डी वाला गोश्त ली थी इसीलिए मुझे थोड़ा इसकी कटिंग करके पीस निकालने के लिए जमा नहीं है ना अगर आप बगर हड्डी वाला लेंगे तो आप एकदम बर्फ़ी के जैसा इसका पीस निकाल सकते हैं है ना मगर फिर भी खाने में बहुत ही टेस्टी बना तेश्टी था तेश्टी एक बार आप लोग जरूर बनाना बनाने के बाद में मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फोटो जरूर भेजना और गाय आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ क्या बहुत लोगों ने ये टाइम पे बकरा ईद में मेरी रेसिपी ट्राई किए मुझे फोटो भेजे और आसिफ ने स्टोरी पे भी रखा तो इसी तरह से आप लोग मुझे प्यार दीजिए सपोर्ट कीजिए और आप लोगों की दुआ और आप लोगों का प्यार ही मुझे चाहिए ना तो चलिए यहाँ पर हमारा डब्बा बंद बनकर रेडी हो चुका है तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में तो चलिए अभी मैं आपको ये खाकर भी बताती हूँ मैं नहीं खाऊंगी खाएंगे अच्छा मैं अशरफ को दूंगी क्योंकि मैं ये वाला रेसिपी बनाने के लिए मुझे रात हो गई थी तो रात का खाना मैं नहीं खाती हूँ सिर्फ मैं दोपहर में ही जो बनाती हूँ वही खाती हूँ अगर दोपहर में बना ही रहती तो मैं खा लेती थी मगर मैंने रात को बनाई करके मैंने नहीं खाई है ना तो चलिए बिस्मिल्लाह बोल के मैं अशरफ को खिला रही हूँ माशाल्लाह मेरा गोलू मोलू देखो चांद का टुकड़ा है एकदम है ना कैसा लगा तो बोलता एकदम जबरदस्त बना मम्मी और उसको बहुत पसंद आता है डब्बा गोश्त तो चलिए है ना बहुत अच्छा बनाता बहुत अच्छा बनाता अच्छा बना ना सिर्फ मस्त बनाता एक नंबर बनाता और फिर उसको खा के दिखा दिया थी अंडा अंडा खाएगा अंडा खाएगा इसका अंडे के भी पीस एकदम मस्त तो निकले थे ना और अंडा ना कच्चा मत डालना तो तो फेट के ही डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा तो चलिए अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना यहाँ पे हमारे माँ बेटे का प्यार